गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं निकल चुका हूँ गांव के लिए धौलपुर से। तो मेरे ये ब्लॉग में और दिखाता हूँ आपको तालाब का नज़ारा। तो दोस्तों यह वह जगह है जहाँ पर काटना पड़ा था पानी को, और तालाब दिखाता हूँ मैं। ये अब तो बना रहे हैं, ये देखो पानी यहाँ से निकला था पानी इधर से, और ये पानी पानी चारों तरफ। कई गांव डूब गए, एक ये गांव है, दो उधर गांव है। तो फिलहाल चलता था उसका नज़ारा देखो, ये पीछे चल रहा है, ये रोड हाईवे है। अभी मैं गांव वाली रोड पे खड़ा हूँ, ये पीछे तालाब। इतना सारा पानी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा इस तालाब में, काफी पानी और दूर दूर तक। फिर से रुक गया हूँ, ये देखो ये हाईवे है और ये पानी देखो कितना सारा है। पहली बार इतना पानी इस तालाब में आया है, बहुत बारिश हुई थी इस बार। और ये उधर गांव है, वो सारे डूब गए थे। तो फिलहाल चलते आगे की तरफ ये अपनी बाइक। तो फिलहाल आ चुका हूँ तालाबसाई रोड पर, क्योंकि ये गया है गाँव के लिए, रास्ता छोटा है। और ये तालाबसाई सामने, और ये सामने दिख रहा है गांव खानपुर। तो फिलहाल चलते हैं यहां से आगे और सीधे पहुंचते हैं गांव। ये आ गया गांव का तालाब, जिसमें डाल रही हैं बहुत सारे सिंगाड़े की बेलें। तो दोस्तों देखो पानी कितना उतर गया है, और ये सामने सिंगाड़े की बेल है। लोग यहाँ पे सिंगाड़े कर देते हैं, गांव का तालाब है ये, चारों तरफ सिंगाड़े सिंगाड़े, ये मचान है, यहाँ पे रख के बेचते हैं। और यहाँ से पानी चला था इस बार बहुत ज़्यादा, अब तो कम हो गया। देखो खेत अपने गांव के, अपने परिवार के। ये सामने जो दिख रही है छतरी, वो बाबा जी की है। और उधर आगे थोड़ा सा आगे अपने खेत हैं। अभी मैं गांव की तालाब पे हूँ, और यहाँ पे भी सिंगाड़े डाल रखे हैं लोग बागों ने। अभी चलते हैं और पहुँचते हैं सीधे कम अपने घर। देखो सिंगाड़ा ही सिंगाड़ा डलाया, आ चुका हूँ। और देखो ये बाजरा, तिली, अंगूर की बेल। दोस्तों फिलहाल आ चुका हूँ खेत पर सोने के बाद 4:30 बजे, और भैया और ये अपना खेत जिसमें कुछ नहीं है। ये रहा अपना कुआं जिस पर रखे हैं अपने अपने इंजन, और ये पानी भी ऊपर काफी तेज आंधी आ गई है। ये रहा खेत अपना, इस बार बारिश ने खेत की हालत खराब कर दी है, कुछ नहीं हुआ है। देख लो कैसी